संजीव बालियान कोरोना वैक्सीन पर हो रही सियासत को लेकर बात कर रहे थे। बहरहाल आपको ये भी बताएं कि कोरोना की वैक्सीन पर भारत के डबल धमाके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैज्ञानिकों को बधाई थी। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिकों के योगदान पर देश को गर्व है। साथियों, नया साल अपने साथ एक और बड़ी उपलब्धि लेकर आया है। भारत के वैज्ञानिकों ने एक नहीं, दो दो मेड इन इंडिया कोविड वैक्सीन विकसित करने में सफलता पाई है। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा कोविड वैक्सीन प्रोग्राम भी शुरू होने जा रहा है। इसके लिए देश को अपने वैज्ञानिकों के योगदान पर बहुत गर्व है। हर देशवासी आप सभी वैज्ञानिकों का, टेक्नीशियनों का, सबका कृतज्ञ है। साथियों, आज उस समय को भी याद करने का दिन है जब हमारे वैज्ञानिक संस्थानों ने, आप सब ने कोरोना से मुकाबले के लिए, वैक्सीन को विकसित करने के लिए दिन रात एक कर दिया। सीएसआईआर समेत अन्य संस्थानों ने एक साथ आकर हर चुनौती का सामना किया। कोरोना की वैक्सीन आ गई है, लेकिन अब इस पर सियासत शुरू हो गई और सियासी लड़ाई किस तरीके से हो रही है आपको दिखाएंगे। विपक्ष ने वैक्सीन पर अप्रूवल में ढील देने का आरोप लगाया है। कांग्रेस के दो विधायकों ने तो कह डाला है कि पहले प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री वैक्सीन लगवाकर लोगों की शंका को दूर करें। दवाई भी और कड़ाई भी। देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, और वो भी बीजेपी लगाई है, उसका भरोसा करूंगा मैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सबसे पहला टीका लेके जनता को विश्वास में लेने का काम करें। ये लोग वो हैं कि छुप करके लगवा लेंगे और लोग को इस तरह की बातों में भ्रम में रखेंगे। कोरोना की दवाई आ गई, इस महामारी से लड़ने के लिए दो दो वैक्सीन को भी मंजूरी मिल गई। देसी वैक्सीन का शंखनाद दुनिया में गूंजने लगा, लेकिन कोरोना की इस दवाई पर सियासी लड़ाई भी छिड़ गई। सवालों के घेरे में देसी वैक्सीन ही है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने इसे अप्रूवल देने में जल्दबाजी दिखाई। बिहार से कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने तो ये तक कह डाला कि प्रधानमंत्री और बीजेपी नेता पहले वैक्सीन लगाकर शंका दूर करें। भारत की दो कंपनियां द्वारा लाई गई दोनों वैक्सीन को लेकर आम आदमी के बीच कुछ संशय भी है। इसे दूर करने के लिए जैसे रूस एवं अमेरिका के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने सबसे पहले टीका लेकर पूरे जनता को विश्वास में लिया है, मेरा भी मानना है कि यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च पद पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सबसे पहला टीका लेके जनता को विश्वास में लेने का काम करें। मध्य प्रदेश के चाचौड़ा से कांग्रेस विधायक और दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह ने भी ट्वीट कर ऐसी ही मांग कर डाली। उन्होंने लिखा, कोविड वैक्सीन को लेकर कई भ्रांतियां हैं, अच्छा होगा प्रधानमंत्री और सभी मुख्यमंत्री वरिष्ठ अधिकारी पहले लगवा लें, सब ठीक होगा तो जनता भी लगवा लेगी। वैक्सीन को लेकर सियासी बुखार में सबसे पहले यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव तपे। उन्होंने तो वैक्सीन को बीजेपी का बताते हुए ऐलान कर दिया कि मैं वैक्सीन ही नहीं लगवाऊंगा। देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाई, उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी, सबको फ्री वैक्सीन लगेगी, हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। इसके बाद तो वैक्सीन के खिलाफ जैसे विपक्ष ने मुहिम ही छेड़ दी हो। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने नपे शब्दों में कोवैक्सीन पर सवाल दागा। शशि थरूर ने कहा कि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का तीसरा ट्रायल पूरा नहीं हुआ, अप्रूवल देने में जल्दबाजी हुई और ये घातक हो सकता है।
तो जयराम रमेश ने कहा कि वैक्सीन को मंजूरी देने के अंतर्राष्ट्रीय मानकों को भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के लिए बदला गया। ये हैरान करने वाला है, स्वास्थ्य मंत्री इसे स्पष्ट करें। एक तरफ वैक्सीन को लेकर कांग्रेस नेता बयानबाजी कर रहे हैं तो दूसरी ओर पार्टी प्रवक्ता डैमेज कंट्रोल में जुटे हुए हैं। पार्टी ने वैक्सीन के खिलाफ बोलने वाले नेताओं से किनारा करते हुए वैज्ञानिकों पर भरोसा जता दिया। देखिए भाई, कौन क्या कहता है मुझे उससे पता नहीं, मैं ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हूँ। कांग्रेस पार्टी के हेडक्वार्टर से आपको एक बात बोल रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी हमेशा से राहुल गांधी जी ने शुरू से आज से 3-4 महीने पहले वैक्सीनेशन के प्रति सरकार को चेताया था और आज फिर मैं उन्हीं की बात को दोहराता हूँ। इंक्लूसिव वैक्सीनेशन, फ्री वैक्सीनेशन, बेस्ट वैक्सीनेशन एंड वैक्सीनेशन आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल प्रोटोकॉल्स ऑफ आवर इंस्टीट्यूट्स ऑफ साइंस एंड आवर इंस्टीट्यूट्स ऑफ मेडिकल फ्रेटर्निटी। विपक्ष वैक्सीन में खामियां निकाल रहा है तो बीजेपी पक्ष में ताल ठोक रही है। गिरिराज सिंह ने तो विपक्ष पर हल्ला बोल दिया। मैंने तो कल कहा कि ये लोग वो हैं कि छुप करके लगवा लेंगे और लोग को इस तरह की बातों में भ्रम में रखेंगे और वो दूसरे कारण से कह रहे हैं। मैं उस पर अभी टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, किसी ने कुछ और उसके ऊपर टीका टिप्पणी की है। इसके कारण वो राजनीतिक दृष्टि से बोल रहे हैं और देश का ये दुर्भाग्य है। कोवैक्सीन को हैदराबाद की भारत बायोटेक ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ मिलकर बनाया है। इस वैक्सीन का अभी तीसरे दौर का ट्रायल चल रहा है, फाइनल डेटा का इंतजार है। पटना से रोहित सिंह और भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।